हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल आजीविका रजिस्टर जो ऐप पर भरा गया डाटा है उसको अप्रूव कैसे करें। सबसे पहले हम लोग BPM के ID से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आजीविका पे क्लिक करेंगे। आजीविका ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं कि किस तरीके का हमें डाटा यहाँ पे स्क्रीन पर विजिबल चाहिए। हम लोग देख सकते हैं जो डाटा हम लोगों ने अप्रूव किया है इसको सेलेक्ट करने के बाद Q2 का जुलाई से सितंबर का हम लोग डाटा इसमें देख सकते हैं 2025 का। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 63 टोटल नंबर ऑफ अप्रूवल यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब मुझे पेंडिंग डाटा अप्रूव करना है तो मुझे अप्रूव्ड की जगह पेंडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 11 फॉर्म्स यहाँ पे पेंडिंग है जिनको हम चेक करके अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए 3 डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नाम पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सुमन देवी का हम लोग फॉर्म ओपन करते हैं। बेसिक डिटेल इनकी भरी गई है, पिपली वाला पंचायत से ही है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इनका सेकेंड नंबर पे लोन डिटेल यहाँ पे भरी गई है कि इन दीदी को ₹20,000 लोन यहाँ पे मिला है जो सर्वे किया गया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं लाइवलीहुड इनका, आजीविका का साधन क्या है। तो इनका खरीफ फसल में धान का इनका फसल डाला गया है 100 क्विंटल, जिसकी इनकम इनकी 1,12,000 रुपये यहाँ पे शो हुई है। 98,000 दीदी का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे दिखाया है। टोटल इनकम दीदी की 2,10,000 है। ऊपर बैक ऑप्शन या अप्रूव या रिजेक्ट, यदि कोई इसमें से हम लोग हमें लगता है कि ये चीज़ कुछ गलत है तो हम तीनों ऑप्शन ये चेक करने के बाद रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट में ये रीज़न पूछेगा तो हमें रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल में कोई कमी पाई जाती है तो बेसिक डिटेल सेलेक्ट करेंगे। लोन में कोई कमी पाई जाती है तो लोन, या लाइवलीहुड में कोई कमी है तो लाइवलीहुड, या इसके अलावा ऑदर है तो ऑदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे रिजेक्शन रिमार्क करेंगे तो कंफर्म करके ही रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास इन दीदी का फॉर्म लगभग सही मुझे लगा है तो मैं इस फॉर्म को अप्रूव करूँगा। अप्रूव करने के लिए अप्रूव बटन पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे तो ये यहाँ से डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। तो ये कुछ देर बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।